देख सकते हैं ये बंकर है, यहाँ पे आर्मी वालों ने बंकर बनाए हुए हैं। ये देखें ये पूरी लाइन के साथ है, इधर आगे इंडिया का बॉर्डर है। तो आगे हम पहुंच चुके हैं दुबई पैलेस के बिल्कुल करीब। मैं आपको खूबसूरत कितना है। हाँ तो दोस्तों राइड ले लिए, डर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। हाँ तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं जिला रहीमिया खान, जो कि हमारा सिटी भी है, तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सिटी है। आज हम आपको एक बहुत ही नई चीज़ दिखाने वाले हैं। आज का विदाग आपके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अरे व्यू चेक कर लें माशाल्लाह। हाँ तो दोस्तों अभी हम मोटर वे पे हैं, तो जिला रहीमिया खान की तरफ चल रहे हैं। आज आपके लिए एक बहुत ही खास विदाग होने वाला है। ये चेक करें मेरे दोस्त रैस हमीद साहब, ये शानू भाई और ये मुजाहिद भाई, ये कामरान भाई अभी सो रहे हैं। हमें रहीमिया खान में थोड़े से छोटे से काम है, वो भी करते हैं। और एक खास वीडियो है, खास जगह है, मट भरी झील। आज हम आपको उसका विजिट कराने वाले हैं और इंडिया का बॉर्डर भी आपको दिखाने वाले हैं। आज इंशाल्लाह ताला आज का विदाग हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो हमारा मोटरवे पे यहीं तक का सफर था, क्योंकि मोटरवे जा रही है आगे कराची की तरफ। ये चेक करें, और हमने जाना है रहीम यार। हम कराची तो जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं रहीम यार। वहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला इंडिया का बॉर्डर और वो मट भरी झील ज़रूर देखेंगे यार, और आपको भी दिखाएंगे। ये देखें, अब हम मोटरवे से उतर कर अभी हम सर्विस रोड पर आ चुके हैं। अभी रहीम यार खान टोल प्लाजा पर पहुँच चुके हैं। हाँ तो दोस्तों हम रहीमिया खान इंट्री गेट पर पहुँच चुके हैं। ये सामने हमारे इंट्री गेट है, जिससे हम रहीमिया खान शहर की सड़क पर इंटर होंगे। वहाँ से 10-12 किलोमीटर सिटी है, ये आपको चेक करा रहे हैं माशाल्लाह। चेक करें, वेलकम टू रहीमिया खान, ये है इंट्री। हाँ तो दोस्तों हॉस्पिटल से फ्री होकर अब हम चलने लगे हैं अपनी मंजिल की तरफ। हम जा रहे हैं इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल करीब। वहाँ पे आपको डेजर्ट भी दिखाएंगे, इंडिया बॉर्डर भी दिखाएंगे, और उसके बाद वो दूसरी झील जो सबसे अहम हमारी वीडियो होने वाली है, वो हम आपको झील भी दिखाएंगे। ये हमारे दोस्त काफ़ी एक्साइटेड हैं, मैं समीर साहब, कामरान साहब, शानू साहब। याद है ना, यादन जेरा आवे आवे प्या सभ्य को दाखला मिल बड़ी बेटे सरकारी। फाइनली दोस्तों वो जो आपको बाइक सा नज़र आ रहा है, वो दुबई वालों का पैलेस है शेखों का। तो वहाँ आने तो नहीं देते, लेकिन कोशिश करते हैं करीब जाकर आपको दिखाते हैं। तो अभी थोड़ा आगे चल के इसको मज़ीद जूम करके करीब करके आपको दिखाएंगे। वो देखें, वो सामने नज़र आ रहा है, चेक करें माशाल्लाह। फाइनली दोस्तों इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं दुबई पैलेस के बिल्कुल करीब। मैं आपको दुबई पैलेस भी दिखा रहा हूँ। ये देखें हमारी कार पीछे खड़ी हुई है, काफ़ी थके हुए भी हैं दोस्त। तो अभी हम चल कर दिखाते हैं आपको दुबई पैलेस। यहाँ पर हम जा तो नहीं सकते, लेकिन आपको दूर से घूम करके आपको दिखा देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर दुबई के शहजादे आते हैं, वो इधर आकर रहते हैं और अपना शिकार वगैरह भी करते हैं। आगे चलकर आपको दिखाएंगे इनकी जो जंगल है, वो भी दिखाएंगे जहाँ पे वो शिकार करते हैं, और दूसरी और चीज़ें भी हैं माशाल्लाह। पहले चेक करें खूबसूरत कितना है। हाँ तो दोस्तों हम डेजर्ट में पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने मसनूई तौर पर खजूरों के दरख्त लगाए हुए हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको डेजर्ट ही डेजर्ट नज़र आएगा, और ये वाला माहौल। हाँ तो दोस्तों आपने एक मिसाल सुनी होगी, जंगल में मंगल।
तो आज हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं कि जंगल में मंगल किस तरह होता है। ये देखें, हर तरफ सहरा है, जंगल है। तो दुबई वाले शेखों ने इधर जंगल में मंगल कर दिया है। यहाँ पे हरियाली के लिए इन्होंने खजूरों के दरख्त लगा दिए हैं। एयरपोर्ट भी आगे सामने है, थोड़ा सा आगे तकरीबन 20-25 किलोमीटर आगे इंडिया का बॉर्डर है। अगर कोशिश करेंगे हम वहाँ तक जाने की, लेकिन लगता तो मुश्किल है, टाइम काफ़ी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम रोही में आए हुए हैं। तो हमारे ये अंकल घोड़ा वगैरह लेकर खड़ा था, तो हमने कहा इसकी भी राइड ले लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। तो फिर हम घोड़े पर चढ़ रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों राइड ले लिए, डर लग रहा है, ये तो ज्यादा ठंडी है। हाँ तो दोस्तों मजा आ रहा है, आप बताएं कैसा लग रहा हूँ राइड लेके। माशाल्लाह काफी मजा आ रहा है। चल बाबू ऐसा लगा ना भाई। दोस्तों हम डेजर्ट पर पहुंच चुके हैं और हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये बैंकर है, ये पूरी लाइन से ऐसे बने हुए हैं। यहाँ से आगे थोड़ा सा इंडिया का बॉर्डर शुरू होता है, आगे जाना ममनू है, तो हम आगे नहीं जा सकते। आपको हम बैंकर वगैरह दिखाते हैं, आए। दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये बंकर है, यहाँ पे आर्मी वालों ने बैंकर बनाए हुए हैं। ये देखें, ये पूरी लाइन के साथ है, इधर इधर से दूंगा, इधर से भी पूरी लाइन के साथ है बंकर। और मेरे पीछे इधर किधर दिखाऊं, और मेरे इधर पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये रोही रोही है, रेगिस्तान है। तो थोड़ा सा आगे इंडिया का बॉर्डर है, तो आगे हम नहीं जा सकते, आगे आप आगे नहीं जा सकते। अभी हम यहाँ का आपको विजिट कराते हैं। माशाल्लाह ये देखें, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको रेगिस्तान ही नजर आएगा, रेत ही रेत है ये चक्कर। ये बंकर वगैरह ये पूरी लाइन के साथ बने हुए हैं, इंडिया बस बहुत ही करीब है, आगे हम नहीं जा सकते, वरना हम आपको आगे भी दिखाते हैं। तो वो चेक कर सकते हैं, ये चक्कर है, एक बंकर ये है कि उसके बाद है, एक उसके आगे है, और इस साइड से भी आप देख सकते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और ये मेरे पीछे इधर सारा रोही रोही है, और कुछ फासले के ऊपर इंडिया का बॉर्डर है। हाँ तो दोस्तों मेरे पीछे जो रोही नज़र आ रही है, ये रेगिस्तान नज़र आ रहा है, इसके आगे इंडिया का बॉर्डर, हम आगे तो नहीं जा सकते। आर्मी वालों ने हमें रोका है कि आप आगे नहीं जा सकते। हमारी यहाँ तक पहुँचती, हमने आपको रेगिस्तान भी दिखा दिया, बैंकर भी दिखा दिए, सारा कुछ दिखा दिया। अब आगे आर्मी वाले हमें नहीं जाने दे रहे, तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी आएँगे। तो आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग? अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा, और इस तरह की मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फाइनली दोस्तों हम इस जगह को खैरपाक कह रहे हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, शाम का टाइम है, तो यहाँ पे ख़तरा भी है, और हर तरफ सहरा ही सहरा, रेत ही रेत है, ये चेक कर सकते हैं, और साथ में इंडिया का बॉर्डर भी लगता है। तो हमें ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है,
तो हम चल रहे हैं वापस सिटी रहीम यार खान। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको पूरे रोही का विजिट कराएंगे।